व्हाट्स अप गाइस, आज हमारी पहली सुबह है यहाँ पे। सुबह तो क्या 11-12 बज चुके हैं। हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट हमने किया, सेम था वो क्या बोलते हैं बुफे सिस्टम। एंड अब पूरा तैयार व्यार हो के नहा धो के अब हम निकले हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने। एक बात है कि इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, बंदर अंदर बहुत हैं, तो हाथ में खाना लेके आप ओपनली में नहीं निकल सकते क्योंकि मैं एक मफिन लेके घूम रहा था। अभी इसको क्या हुआ, बंदर को ये खाना नहीं दे रहा था तो बंदर ने कुछ झापड़ मारा हमने तो झूठ पर बोल नहीं झापड़ मारा और उसके बाद उसने दिया क्योंकि इसको लगा अभी खतरे में है तो इसकी फट गई। और फिर सैडली बंदर से दोस्ती यार, मेरे को नहीं मारेगा, फ्रेंड्स हम। अब नहीं बोलता अभी भाई, आप देखते थे डिस्कवरी हिंदी में। अरे मूवी चलाती हूँ कहते सब टाइटल रहो, समझ नहीं आएगा यार। इनके ये पांत इतने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो कट्स मार रखे हैं, ये क्या बात है। आप मेहनत कर पाओगे इतनी अच्छी? आप अगर कारीगर होते कर पाते? नहीं, मैं इनकी मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कि थोड़ा नेचुरल उससे क्लोज रखा जाए, मतलब पूरा वो मत बनाओ। हाँ। क्या बोलते हैं यार, वो देखो रहा बंदर आ रहा है, बंदर आ रहा है, ये रहा। इधर आ जाओ आप, एकदम से झपट्टा मारते हैं ये लोग। झपट्टा तो नहीं मारा अभी तक किसी को भी, मेरे को मारा था ना उसने, लेके भाग गया था, केला भग गया लेके। अब इनकी फेवरेट चीज थी मेरे हाथ में, भाई इनको केला। भाई शाम को नहीं थे वो, वही हो रहा है, घोरा खा गया ये रहा। ठीक है, एक वहां पे वो आ रहे, वो आ रहे, एक और आया पेड़ से, टूट थ्री थ्री बंदर्स आ गए। थिंक हमें घेरा बना के मारने वाले हैं, चलते हैं हम यहाँ से। अब यार इसमें पहली बार बैठा, इसकी उंगली फंस गई थी यार। आपको इन चीजों में बैठना भी नहीं आता, कहाँ लेके आ गई हूँ यार मैं इस लीचड़ को। ये तो रेस्ट करने लगा यहाँ पे, मजा तो आ रहा है इसमें। अरे इसको झूलते भी है इसमें भाई, ये तो सो सकता है। ये देख, ये देख, जलाते इसको, जलाते हूँ मैं, ये देख। अभी तो बहुत सही है अभी बल्लाई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था पर लेकिन मैंने इसको थोड़ी सहानुभूति दी कि तू कर सकता है, कैन डू इट, चढ़ जा। इसको डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए झूले से क्योंकि तो ये भारी है, साउंड के वजन का है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अब इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है। गाइस ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और स्विमिंग पूल में बास्केटबॉल वाला बास्केट भी है भाई। और ये क्या है, गोल का है क्या भाई? ये बहुत कूल चीज़ है। अभी मैं सर्दी है तो मैं कर नहा नहीं रहा, बट ये भाई बहुत कूल है यार, अगली बार गर्मी में आके करूँगा ये। और वहाँ पे शादी वाले गाने बज रहे क्योंकि किसी की शादी हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत सही जगह यार ये तो। यहाँ पे इतना सारा मीठा है, देख कर ही पानी आ रहा है। टार्ट है, फ्रूट टार्ट, चॉकलेट बॉल, बहुत टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे सारे टाइप की आइसक्रीम्स हैं। And then we have coconut pudding. क्या है? नाम कोल्ड खीर भी है। वो खीर भी है? Yes, खीर भी है। मैं तो ये खाने वाली हूँ पुडिंग। ठीक है? और चलो खोल खोल के देखते हैं क्या है। बेबी मंचूरियन है, मैंने तो नहीं खाया। ये मैंने हिमालय का ले रहा हूँ। उसको शेजवान नूडल्स एंड ये मंचूरियन बहुत पसंद है। ओहो। तो मुझे हिमालय की सारी पसंद ना पसंद पता है। पता है आपको? आइडियल इंसान हो आप मेरे लिए। चलो मटर पुलाव, ठीक है, दाल है नहीं तो, कढ़ाई पनीर भी है, ये भी ले लेंगे भाई। मोहित की तो मजे हैं यहाँ पे, उसका मटन है, चिकन भी है, चिकन पर मैं कभी भी हिमालय की प्लेट में चिकन या मटन नहीं डालता बिकॉज़ शी इज अ वेजिटेरियन एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ओहो कल तो डाला था लेकिन हमने तब नहीं सोचा। हां दिखाओ दिखाओ, अपनी स्माइल दिखाओ जो आपने साइड स्माइल करी है ना। यार ये तो पूरी प्लेट भर रहा है। फ्रूट्स मेरे को पसंद है मतलब, क्योंकि आप कड़वे हो ना इसलिए आप फ्रूट्स खाते हो ताकि थोड़ा मीठापन आए आपके अंदर। गाइस अभी है हमारा लंच सीन, ठीक है, पूरी प्लेट भर ली है, पनीर वनीर चाउमीन वाउमीन सब है, वैरायटी ली है क्योंकि वैरायटी है तो वैरायटी तो लेंगे ना यार। पापड़ सीन्स, पापड़ कौन खाता है सबसे पहले? पापड़ सबसे पहले तो खाते हैं, लास्ट में खाते हैं ना? नहीं पापड़ पहले खाते हैं, पापड़ होता है पाचन शक्ति करने के लिए। गलत, पापड़ होता है दारू के साथ चकना। एक नान ऑन कर दो। कॉफी मिल जाएगी, कोल्ड कॉफी
कोल्ड कॉफी कर दे। कोल्ड कॉफी तो प्यार है यार, कैसी है कोल्ड कॉफी? दो कर दो, मतलब बुफे में ही है ना इंक्लूडेड? ठीक है दो कर दो। तो रोटी के बात अलग है इनकी यार, बहुत बहुत ज्यादा फ्रेश है, मतलब इतनी सॉफ्ट है ना, नान का जगह खाओ हार्ड होता है ना इनका आटा वाला। नान का ना साइड्स बहुत मोटा होता है, वो बासी लगता है, इनका ऐसा नहीं है। ये जेन्युइन बहुत अच्छा खाना है यार। अभी मैं बहुत एक्साइटेड चीज करने वाली हूँ, अफसोस इसका देखते हैं ये करेगा कि नहीं। नहीं होगा, वो तो होता था रिसेप्शन पे, मैं बोलता रहा, मैंने बोला ही नहीं उनको। उन्होंने एक टिकट दी थी, उन्होंने कहा था कि शायद आपको एक और टिकट देख लो, बात कर लेंगे सर से। क्या बोलूँ, कोई नहीं आप कर लो यार, कोई बात नहीं आप मेरे को करने देना। हाँ गुड कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने आप को मैं कॉम्प्रोमाइज करने, अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज करने रेडी हूँ भाई, गिनवाऊंगा इसको 50 साल तक। हाँ ये पता है कि मैंने अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज करी थी। चलो भाई मालिका करेगा जिपलाइन। वो क्या है मेरा क्लचर? भाई मैंने सैक्रिफाइस करा अपना। ये मेरे को कह रहा था कि मैं अगली बारी ना महंगा वाला करूंगा, सिर्फ मैं अकेला 2,000-3,000 रुपये देके। ऋषिकेश में होता है, दूसरे रिवर के साइड जाते हैं ना ऐसे करके, वो वाला करेगा और ये बंजी जंपिंग करेगा। मतलब मेरे को दो चीज़ें कंपनसेट करनी पड़ेंगी। इसके मतलब मैं ऐसी चीज़ करूँगा जो आप मेरे को मना नहीं कर सकते ना, तो मैं वो नहीं कर रहा ऋषिकेश वाला, मैं थाईलैंड ट्रिप मारूंगा एक। और मैं रेडी हूँ अब, बाल बाल बांधू मेरे को चढ़ना है आपको भाई। मतलब मुझे डर सा लग रहा है, ये पता नहीं होल्ड कर पाएगा मेरा वजन या नहीं। मुश्किल लग रहा है मेरे को भी, आपको वजन ज्यादा। आप चुप रहो, जितना मैंने बोल दिया ना उतना ही काफी है, आपको एक्स्ट्रा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं छाप मार रहे ना उतना कफ वो है, बहुत है। खैर यहाँ से कैसे ऊपर जाऊँ, चढ़ के जाओगे? अरे ये तो बड़ी खड़ी सीढ़ी है ना, तो चढ़ो जैसे वो चढ़ा जाओ, वेट कर रहे हो। ऊंचाई से तो मुझे डर लगता है। अरे भैया एक सेकेंड, डर क्या है इसमें, चलो शाबाश वन लाइफ है। मेरी नहीं है यार, देखो मैं साइड में आपको बच्चे भी देख रहे हैं। ओए करी दीदी अभी गिरेंगी यार, ऐसे मत बोलो यार। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो गाइस, मोटी फंस चुकी है यहाँ पे, अटक गई थी ये। जाओ जाओ, मेरे को सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा है ये। यहां से कैसे होगी, वजन की वजह से ना दिक्कत हो जाती है, इसलिए वजन को कंट्रोल में रखो गाइस। इसको दिक्कत हो गई थी अभी थोड़ी सी, फंस गई थी सीढ़ी, ये दो सीढ़ियां इसी बीच में अटक गई थी है वजन की वजह से। कहां गई मेरी गाइस? अबाउट व्हाट्सएप, जब रेडी हो गए बता देना। धक्का नहीं दूंगा, आप जैसे झूले में बैठते हैं ना वैसे बैठिए। नॉर्मल बैठूं? आप बस ऊपर ऊपर ये इस रोप को मत पकड़िएगा। हां इसको ऐसे करके पकड़िए, अब बैठिए। यार ये तो खतरनाक है यार, ऐसे एक लेग यहां से फ्री कर लीजिए। मेरे को वहां कौन पकड़ेगा? अब मैं ही आऊंगा। ऐसे पकड़ूं इसको, इसको होल्ड करूं? इसको ऐसे करके पकड़ लीजिए। हां दोनों हाथों से क्या करूं इस पे खड़ी हूँ, वहां एंड तक जाऊं? अब आधे घंटे आपको ऐसे ही रहना है? अरे अब आपको वापस ऊपर जाना है, वहीं से होगी एग्जिट ऐसे। इतना मुझे भी पता है, मैंने वीडियोस में देखा ही कैसे होती है। ठीक है। अरे वो वजन की वजह से करना पड़ेगा। ओए मजा आया? हाँ बढ़िया गए। ओ भाई अभी मैंने ज़िपलाइनर करा, मजा आया पर बहुत छोटा लगा मुझे, लेकिन फन था। काश बड़े में जाऊँ मैं और करूँ। इसको थोड़ा वो हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, कह रही है मैं बंजी जंपिंग भी करूंगी। हां मैंने कहा इस ज़िपलाइन को बंजी से कंपेयर मत करो। अरे मेरे को ना ऊंचाई से ना डर लगता है, पर यहां पे मतलब था पूरा सेफ्टी था, अच्छे से टाइट करके उन्होंने बांध रखा था, बेल्ट्स लगा रखी थी, तो मैं डर नहीं लगा एज सच। तो बंजी यहां पे हाइट इतना, नीचे भी कूद जाओ तो आपको इंजरी नहीं होगी इतनी ज्यादा। हां तो मैं करूंगी बंजी। बंजी होती है रिवर खाई। नहीं आप मेरे को मेरे कान मत भरो, मेरे को डराऊंगा तभी। हीरो बन रहे हो, जब बंजी के वहां जाएंगे ना फट जाएगी देख लेना। ये पता है मेरे को क्या बोल रहा था हिमालय का, मुझे ना धक्का देना क्योंकि मेरे को डर लगेगा। और मैंने इसको बोला था कि मैं बंजी में खुद से कूदूंगी, मैं बिना पैराशूट के उससे कूदता हूं प्लेन से। बिना पैराशूट के फिर बच्चे कैसे पानी में गिरे थे? हां अच्छा अच्छा जी, इतनी ऊपर से हाइट में रिवर में नॉर्मल गिरा, पूरा छिल तो जाता है बॉडी। छिलेगा तब अगर ऐसे गिरोगे, प्रेशर हाँ, पड़ता है। आपने ऐसे गिरा था? ऐसे गिरे थे मछली की तरह। आपको पता है ना पूरा पैर और सब कुछ नीचे आपका फूल जाएगा। नहीं 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 सूज जाता है यार। नहीं सी में गिरा था ना। आप मुझे मत सिखाओ, ये कभी भी नहीं कूदा, बस बकवास करता है। ये छोटे बच्चों का नहीं है कहीं मैं तोड़ दूं? नहीं मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ एक तरीके से कह सकते हैं। मैं भी
छोटी बच्ची चल घूम घूम झूल मार मत दियो मुझे चल हमें एक दूसरे से बचना है। पागल हो गए मेरे गलती से किक पड़ गई ना आपको पता नहीं कहाँ लगी हुई मेरे हम यहाँ पे लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे इस दो शक्ल के बंदे यहाँ ना दिख जाए इसके मुंह पे थोबड़े में मार दूं ऐसे जूता अब उन्होंने गलती से हो गया। मैंने ऐसे ही कुछ जगह ही रिटायर होना चाहता हूं। हां मतलब मैं रिटायरमेंट के बाद यहां पूरे दिन स्पेंड करूं। अच्छा मैं तो बनारस चली जाऊंगी। बनारस तो तू मैं अलग अलग रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। सही है मैं तेरे को वहां से फोटोज भेजा करूंगी तू मुझे अपने यहां से भेजियो। स्नैप स्कोर बनाएंगे। हां क्या बोलते हो स्ट्रीक स्ट्रीक्स वो बनाएंगे। ओए दूर तेरे को नहीं ऑपोजिट जाना है मत कर पिटेगा मेरे लात अगर लगी ना गलत जगह पे बहुत मारूंगी